मोहतरम हजरात, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। 6 दिसंबर को मगरबी बंगाल की वजीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा ने अजमेर शरीफ में ख्वाजा ख्वाजगान मईनुल मिल्लत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिरी लगाई। मगरबी बंगाल के वजीर आला ने सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगान सैयदना मईनुद्दीन हसन चिश्ती सनजरी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह अक़दस में हाजिरी लगाने के बाद हिफाजत में दरगाह पहुंची, जहां निज़ाम गेट पर उनका वालहाना इस्तकबाल किया गया। वहां से वो हरे रंग की मखमली चादर शरीफ और अकीदत के फूलों के साथ मजार शरीफ पहुंची और मन्नत पूरी का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ दुआ की। दरगाह कमेटी अंजुमन मोइनिया फखरिया चिश्तिया की तरफ से मजार शरीफ की तस्वीर अतबरुक पेश किया गया। इनकी दिली तमन्नाओं को पूरा अता फरमा, दिली मकासिद गई नमाज दुश्मन लगे उन्हें जेर अता फरमा, करम है मदद फरमाइए, मुश्किलें आसान फरमाइए। अंजुमन मोइनिया फखरिया के सदर सैयद गुलाम किबरिया चिश्ती और जनरल सेक्रेटरी सैयद सरवर चिश्ती, खाजिन सैयद शारिफ संजरी व दिगर खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। मोहतरमा ममता बनर्जी का अंजुमन की तरफ से शॉल पेश किया गया। यहां से नजदीक में ही दीवान साहब की हवेली में गई और जहां उन्होंने दरगाह दीवान जैनुल आबिदीन से अखलाकी मुलाकात करके हाल चाल पूछा और मखसूस परवाज से किशनगढ़ हवाई अड्डे पहुंची थी और वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा ने बताया कि राजस्थानी बहुत सारे लोग मगरबी बंगाल में मिलजुल कर रहते हैं और हमारा मगरबी बंगाल और राजस्थान के दोनों स्टेट के लोगों के लिए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में दुआएं की, मुल्क के लिए दुआएं की, इंसानियत के लिए दुआएं की और मगरबी बंगाल खूब फले फूले तरक्की करे, यहाँ के लोग खुशहाल हो, यहाँ के लोग आपस में भाईचारा हो, उसके लिए दुआएँ की। और एक काबिल जिक्र बात एक चीज़ और बताते चलूँ, इससे पहले 23 साल कबल मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा ने 1999 में अजमेर शरीफ पहुंची थी, जो उनकी दुआ को सैयद फरमान मोइनी ने बताया, उन्होंने मन्नत मानी थी। आज अल्लाह के फजल व करम से वो मन्नत पूरी हो चुका है, जिसके शुक्रिया अदा किया, दुआएं भी की और इस तरीक़े से मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा का अजमेर शरीफ का 23 साल के बाद दोबारा दौरा हुआ और इस और तमाम लोगों के साथ मिलने जुलने के बाद फिर वापस दुआएं की। वापस दुआएं करने के बाद खसूसी तैयारी के साथ जो उनका शेड्यूल था, शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ती रही और इस तरीक़े से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कि वो मुबारक वो अजीम दरगाह है जहां पर अपने वक्त के शहनशाह वक्त शहनशाह आजम और अपने वक्त के बड़े बड़े सियासतदान, मुल्क के वजीर आजम, मुल्क के सदर जमहूरिया और ऑल ओवर वर्ल्ड या दुनिया के तमाम मुख्तलिफ मकतब फिक्र के लोग, साधु हो, संत हो, पीर हो, फकीर हो, सियासतदान हो, मुदब्बिर हो, मुहक्किक हो या अपने वक्त के कामिल एजुकेशनिस्ट हो, तमाम ही लोग एक बार जिंदगी में ज़रूर अजमेर शरीफ के दरगाह में जाते हैं और उनकी दिल की मन्नतें भी पूरी होती है और वो अजीम दरगाह है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का भी बड़ा संदेश मिलता है। ख्वाजा गरीब नवाज की सारी ज़िंदगी की तालीमात इंसानियत, भाईचारा, मुल्क की तरक्की, वहदानियत पर मौजूद थी और इस तरीक़े से आप देखते रहिए सरपरस न्यूज़ लाइव। जिन हजरात ने अभी तक सरपरस न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है
YouTube पे सब्सक्राइब कर ले, Facebook पर फॉलो और शेयर करें। यह आपका अपना चैनल है, अपने चैनल को दबने मत दीजिएगा और दीजिए भाई महबूब रज़ा सिद्दीकी साहब। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया।